बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है, पारा लुढ़क गया है और हम आपको बता रहे हैं सियासी पारा चढ़ गया है। लेकिन पीएम मोदी ने रैलियों में बिना नाम लिए तेजस्वी और राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार किया। पीएम के प्रहारों का विपक्ष ने भी जोरदार जवाब दिया है। बिहार को सावधान रहना है, जंगल राज के युवराज से अलर्ट रहना है। जब डबल इंजन की सरकार में ट्रबल आ गया तो प्रधानमंत्री जी को डबल युवराज याद आने लगे। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल डबल युवराज भी है। नीतीश कुमार कहाँ है, सुशील मोदी कहाँ है और वो हेलीकॉप्टर में जो जुमलेबाज आए हैं नरेंद्र मोदी वो कहाँ है। प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या जनता दल यूनाइटेड भाजपा के साथ रहेगी, नहीं रहेगी। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले की ये जुबानी जंग है और जाहिर सी बात है जंग में सब कुछ जायज है वाला फॉर्मूला लगता है, तो कोई भी दल कोई भी नेता एक दूसरे पर प्रहार का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। पीएम मोदी ने रविवार की रैलियों में विरोधियों पर खासकर तेजस्वी यादव पर जोरदार हमले किए। साथियों, जंगल राज वालों ने अगर कभी आपकी चिंता की होती तो बिहार विकास की दौड़ में इतना पिछड़ता नहीं। सच्चाई ये है कि इन्हें न पहले आपकी चिंता थी और न ही आज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो ये डबल डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम के आरोपों का जवाब तेजस्वी यादव ने भी दिया। पूछा कि बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है। लोग बेरोजगार हैं और आप देखिएगा अस्पताल बिल्कुल क्या बदहाल व्यवस्था है। अस्पताल जाता है उसके बाद सीधे शमशान ही है। ये बिहार के अस्पतालों की सच्चाई। पीएम मोदी के आरोपों का जवाब तेजस्वी की पार्टी आरजेडी की तरफ से आया। वहीं ओवैसी ने पीएम के डबल इंजन की सरकार वाले बयान पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव जी पर भी अपना भड़ास निकाल रहे हैं कि जनता का समर्थन मिलता देख अपनी हार सीधा देख आदरणीय प्रधानमंत्री जी गड़बड़ा गए हैं। आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार ने पेट्रोल डीजल प्याज टमाटर आलू सब 80 रुपए किलो मिलने लगा है। मैं दोबारा खाद देता हूँ नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को। जाहिर है इस वक्त बिहार में भले ही सर्दी ने दस्तक दे दी है लेकिन सियासी माहौल का पारा चढ़ता ही जा रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।